पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को अनूठे अंदाज में मनाया। इस अवसर पर रबाले अंबेडकर नगर के कांसीराम हिंदी विद्यालय में महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां हजारों महिलाओं का जन सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। कार्यक्रम में पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने, नगर सेविका रंजना सोनावने एवं डॉक्टर गौतमी सोनावने के हाथों महिलाओं को पैठनी साड़ी उपहार में दी गई। देखिए रिपोर्ट। रबाले के अंबेडकर नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती अनूठे अंदाज में मनाई गई। कांसीराम हिंदी विद्यालय में आयोजित इस हल्दी कुमकुम और शिव जयंती उत्सव में पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने एवं वरिष्ठ नगर सेविका रंजना सोनावने ने पर्यावरण सुरक्षा और बच्चों के शिक्षण पर जोर देते हुए अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब के बीच यहां 200 से अधिक महिलाओं को पैठनी साड़ी और दूसरे उपहार बांटे गए। पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने ने इसे शिवाजी महाराज के लिए सच्ची मानवंदना बताया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्वधर्म समभाव के जरिए स्वराज्य की स्थापना की और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमारा आदर्श राजा, बहुजनों का, कष्ट गरीबों का राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर अवसर पर हम हर साल महिला मेलावा का आयोजन करते हैं, हल्दी कुमकुम का आयोजन करते हैं। और ये राजा इसके अलावा दूसरा कोई मोट नहीं हो सकता है महिलाओं का सम्मान करने का, क्योंकि उन्हें हमें सिखाया है कि किस प्रकार से माता और बहनों का सम्मान किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जैसे कि मैंने अपने इसमें कहा कि कल्याण के सूबेदार की बहू को जब पेश किया गया उनके सामने, तब उन्होंने अपने मुंह से शब्द निकाले, ऐसी अगर हमारी माता होती तो हम कितने सुंदर होते। पराए बहू को अगर हवस के रूप में आपके सामने पेश किया जाए और उसमें आपकी माँ दिखाई देती है, तो इससे बड़ा राजा, इससे बड़ा आदर्श राजा कोई हो नहीं सकता है। इसलिए इस तारीख को, इनके जन्मदिन पर हम महिला मेला का आयोजन करते हैं, महिला सम्मान का आयोजन करते हैं और आज भी किया है। बहुत आनंदमय वातावरण में ये यहाँ पर हो रहा है। आम्ही हा हल्दी कुंकू समारंभाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि बायकांना, पैठणी व आजूबाजूच्या महिलांना हल्दी कुंकू देऊन त्यांना आम्हाला खूप आनंद होतो। हा सालाबाद प्रमाणे कार्यक्रम असतो। पूर्व मेयर ने हाल ही में नवीबाई मनपा प्रभाग रचना में हुई धांधली की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ नेता फूट डालकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि ऐसा करने वाले पछताएंगे, क्योंकि अम्बेडकर नगर रबाले की जनता बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाली है। यह जनता बिकने और गुमराह होने वाली नहीं है। प्यार और भाईचारे के साथ हम यहाँ रह रहे, लेकिन कुछ लोग इस भाईचारे को कुचलना चाहते हैं, कुछ लोग इस भाईचारे के बीच में दरार डालना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सपना लेके चल रहे हैं, अरे नींद से जागो पगलो, ये सारे के सारे लोग इनके विचारों के लोग हैं, इनके विचारों से कोई नहीं जीता है। इनके विचारों का सामना करने के लिए आप बहुत छोटे हो, आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।